जीप रैंगलर परफॉर्मेंस एंड ऑफ रोडिंग का क्या रिलेशन है, वी ऑल नो। एंड इसी एक्सपीरियंस को जीप ने और एनहांस कर दिया है। सो वेलकम टू ऑटो गीक ग्रुप, एंड आज हमारे साथ है 2024 फेसलिफ्ट वर्जन ऑफ जीप रैंगलर। क्या कुछ फीचर्स अब इसमें ऐड कर दिए गए हैं, क्या कुछ बदला है, सब आपको दिखाऊंगा, एक डिटेल वॉक अराउंड दूंगा। उसके बाद रैंगलर है तो थोड़ा ऑफ रोड लेके जाना तो बनता है, तो ऑन रोड एंड ऑफ रोड दोनों में आपको बताऊंगा कि कैसी फील है, क्या परफॉर्मेंस है इसकी। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस 2024 फेसलिफ्ट वर्जन ऑफ जीप रैंगलर के साथ। So this is the all new 2024 facelift version of Jeep Wrangler in front of me। अब टाइम है डिटेल वॉक अराउंड का, क्या कुछ न्यू फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ, डिटेल वॉक अराउंड में आपको देता हूँ। ओके, सबसे पहले एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक से। सो जीप रैंगलर इंडिया में आपको दो वेरियंट्स में मिलती है, एक अनलिमिटेड वेरियंट जिसे आप बोल सकते हैं इसका बेस वेरियंट, और एक ये टॉप एंड वेरियंट दैट इज रूबीकॉन। एंड यस, जो ये रूबीकॉन है ये मोर लाइक ऑफ रोडिंग स्पेसिफिक वेरिएंट है, क्योंकि इसमें कुछ आपको ऑफ रोडिंग के स्पेसिफिक ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, जैसे ऑफ रोड प्लस मोड आपको मिल जाता है, रियर सॉलिड एक्सेल आपको इसमें मिल जाती है। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रंट से, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें आपको दी गई है, मैं बोलूँ क्या कुछ चीज़ें आपको इस फेसलिफ्ट वर्जन में थोड़ी नई मिल जाएंगी, जिसमें थोड़े चेंजेस मिल जाएंगे। हेडलैम्प्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिल जाएगा, LED में आता है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे लोअर बम्पर में आपको फॉग लैम्प्स भी दिए, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। ओके, एंड सी हाउ अग्रेसिव इट लुक्स, जबरदस्त रोड प्रेजेंस है इसकी। एंड फ्रंट ग्रिल की बात करूं तो यहां पे आपको चेंज मिलेगा इस फेसलिफ्ट वर्जन में, हल्का सा लाइक शॉर्ट किया गया जो 7 सेगमेंट्स हैं, एंड थोड़ी स्टाइलिंग आपको अब नई मिल जाएगी इसके फ्रंट ग्रिल में। फ्रंट कैमरा भी आपको इसमें दिया गया, स्पेशली ऑफ रोडिंग के टाइम ये बहुत काम आता है। एंड इतना ही नहीं, यहां पे ऊपर कैमरा दिया गया, दैट इज़ अब इसमें आपको ADAS के कुछ फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन ब्रेक असिस्ट, जैसे कुछ फीचर्स आपको इसमें दिए गए हैं। एक चेंज और, पहले यहाँ पे एंटीना आता था, अब वो एंटीना आपको यहाँ नहीं मिलेगा, बिकॉज उसे इंटीग्रेट कर दिया गया है ग्लास में। ठीक है, ग्लास इंटीग्रेटेड एंटीना अब आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं साइड लुक की, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं। व्हील्स की बात करें तो आपको यहाँ पे अब न्यू डिज़ाइन के 17 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं इस रूबीकॉन में। अगर आप इससे नीचे वाला वेरिएंट लोगे, दैट इज अनलिमिटेड, जो बेस वेरिएंट है इसका, उसमें आपको 18 इंचेस के मिलते हैं। साइड ओ आवियम्स पे आपको इंडिकेटर इंटीग्रेटेड मिलते हैं, एंड ये हीटेड साइड ओ आवियम्स है बाई द वे। टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस, तो यहाँ पे आपको 237 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। कमिंग टू द रियर, रियर में क्या कुछ चीज़ें उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको LED टेल लैम्प कुछ ऐसे देखने को मिल जाएंगे, विच लुक्स रियली गुड। एंड रियर कैमरा यहाँ पे प्लेस्ड है, एंड यस ट्रेल रेटेड 4x4 बड़ा बड़ा यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड यस, यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एक हुक दे रखा है टो के लिए, एंड यहाँ पे रियर डिफॉगर, रियर वाइपर आपको सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टॉकिंग अबाउट द बूट स्पेस, 884 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, विच इज मैसिव सी। एंड इस वेरिएंट में आपको सब वूफर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एल्पाइन सराउंड सिस्टम इसमें आता है। एंड इंटीरियर में आपको ओवरऑल रोल केज स्ट्रक्चर हर जगह यहाँ पे देखने को मिल गया, इनफैक्ट जहाँ पे कर्टन एयर बैग्स हैं वो भी पूरा रोल के स्ट्रक्चर है। एंड यस, अब इसमें आपको 6 एयर बैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। सो दिस इज अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ द ऑल न्यू 2024 फेसलिफ्ट वर्जन ऑफ जीप रैंगलर। सो इंटीरियर में जाने से पहले इसकी की दिखा देता हूँ, तो काफी रगेड टाइप सी की आपको मिलती है, जीप बड़ा बड़ा लगा लिखा आपको मिलता है। एंड ये वाटर प्रूफ की है, अनलॉक लॉक, एंड यहाँ से आप कार डायरेक्टली लाइक इंजन इसका ऑन कर सकते हैं। सी कार ऑन हो गई, थोड़ा सा कुछ सेकंड का गैप इसमें आता है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा जो पॉकेट्स हैं डोर पॉकेट्स वो नहीं मिलती। यहाँ पे आपको ये नेट सा मिलता है, इस पर आप डॉक्यूमेंट्स या कुछ रख सकते हैं। सॉफ्ट टच के साथ ट्रीटमेंट में यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, जो ORVM के कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ मिल जाते हैं, डोर लॉक अनलॉक के सारे स्विचेस मिल जाते हैं। कमिंग टू दी सीट्स, तो यहाँ पे आपको फुल लेदर फिनिश में सीट्स मिल जाएंगी, रूबीकॉन की ब्रांडिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, रेड स्टिचिंग, पूरा ओवरऑल ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है। यस, अब आपको इसमें इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, पहले मैनुअल कंट्रोल्स आते थे, तो यहाँ पे आपको 12
सबवे एडजस्टमेंट मिल जाती है। सो नाउ आई एम इनसाइड द ऑल न्यू 2024 फेसलिफ्ट वर्जन ऑफ जीप रैंगलर। क्या कुछ चीज है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कार ऑन कर लेते हैं। डैशबोर्ड पे भी आपको कुछ ट्रीटमेंट्स लाइक सॉफ्ट टच लाइक ट्रीटमेंट्स मिल जाएंगे। हालांकि ये उतना सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा रगेड टाइप की फील रखी गई है, बट स्टिल यहाँ पे वो जो स्टिचिंग वगैरह है वो आपको दी गई है। तो ओवरऑल अब ये थोड़ी प्रीमियमनेस इसमें और ऐड कर देता है, ठीक है। सो स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो रेड स्टिचिंग आपको मिलती है, लेदर रैप्ड है। यहाँ पे सारे आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कॉल उठाने काटे के कंट्रोल्स है। यहाँ पे आपको अब एडास के कंट्रोल्स दे दिए गए, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है, अलग से सिर्फ नॉर्मल क्रूज कंट्रोल भी है, ये अच्छी चीज है। वाइपर के कंट्रोल्स है, यहाँ पे इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स है, देन यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, एंड ये जो हेडलाइट लेवलर है वो है, एंड ये ओवरऑल जो कैबिन की इल्यूमिनेशन है उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हैं। एसी वेंट्स यहाँ पे सर्कुलर है जो कि मतलब लाइक 360 रोटेट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो यहाँ पे आपको बीच में एक 7 इंचेस का MID मिलता है, कलर्ड MID है, बाकी एनालॉग है। जिस तरीके का कार का करेक्टर है बिल्कुल सही जाता है, काफी रगेड ओवरऑल लुक है। यहाँ पे आपको ऑडोमीटर मिलता है, यहाँ बीच में डिस्प्ले जिसमें ये दिखाता है कि 4x4 के या जो ओवरऑल पूरा सिस्टम है 4x4 का उसके कौन से मोड में, 2H, 4H, 4H पार्ट टाइम, न्यूट्रल या 4 लो। यहाँ पे क्या कुछ चीजें, बहुत सारे बटन वगैरह है। सबसे पहले यहाँ की बात कर लेते हैं, ये है इस न्यू जीप रैंगलर का बिग चेंज। पहले छोटी सी डिस्प्ले आती थी इंफोटेनमेंट की, अब यहाँ पे 12.3 इंचेस का पूरा इंफोटेनमेंट दिया गया है। काफी जो स्क्रीन की क्वालिटी है, जो टच रिस्पॉन्स है, इट्स वेरी गुड। ब्राइटनेस ओवरऑल काफी अच्छी है, जो क्वालिटी है, जो शार्पनेस है वो काफी अच्छी है। वायरलेस एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ ये आता है, तो दैट इज गुड। तो यहाँ पे आपको इसमें ऑफ रोड पेजेस मिल जाते हैं जिसमें वही व्हीकल डायनामिक्स जो मैंने बताया था कि कौन सा आपने एक्सेल लॉक कर रखा है, अनलॉक कर रखा है, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद हर चीज का टेम्परेचर प्रेशर वगैरह आपको यहाँ दिखाता है, पिच एंड रोल एंगल है, देन फॉरवर्ड फेसिंग कैमरा जो मैंने आपको बाहर दिखाया था जो थोड़ा ऑफ रोडिंग में हेल्प करता है, रियर कैमरा ऐसा है। दिन की क्लैरिटी बहुत अच्छी है, रात को थोड़ा काम चल जाएगा वो वाला क्वालिटी है, बट दिन में इट इज गुड। एंड यस, एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ ये आता है। यहाँ पे अब क्या कुछ चीजें हैं, द गुड पॉइंट इज फिजिकल कंट्रोल्स, फिजिकल बटन सारे दिए गए तो वो काफी कन्वीनियंट होता है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम की नॉब मिल जाती है, यहाँ पे आपको एसी के ब्लोअर स्पीड की नॉब मिल जाती है, ओके, एंड यहाँ पे जो ट्यून वगैरह करना है अपने FM वगैरह उसकी सारी नॉब मिल जाती है। सारे एसी के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आपको मिलता है, एंड यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील, हीटेड स्टेयरिंग व्हील आप ऑन कर सकते हैं। दोनों फ्रंट सीट्स आपको हीटेड मिलती हैं, अगेन वेंटिलेटेड नहीं है। सिगरेट लाइटर मिलता है, चार पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे है। जो फ्रंट की दो विंडोज हैं वो ऑटो डाउन के साथ आती है, ऑटो अप नहीं आता है। यहाँ पे आपको एक ऑक्स का पोर्ट मिलता है, एक USB-C और एक USB नॉर्मल A पोर्ट मिलता है। रियर जो एक्सेल लॉक का फीचर है जो स्पेशली लाइक रूबीकॉन में ही आता है, ऑफ रोड प्लस का यहाँ पे आपको एक मोड दे रखा है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं OX1, OX2, OX3, OX4, तो बेसिकली पहले से इस कार में ना पूरा आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम दे रखा है। अगर आप कुछ एसेसरीज लगवाते हैं लाइक एक्सटर्नल लाइट्स वगैरह तो पहले से उसके कंट्रोल्स दे रखे हैं, तो दैट इज अ गुड थिंग। एंड उसके बाद यहाँ पे 4x4 का अलग से पूरा लीवर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन उसका लीवर मिलता है। यहाँ पे आपको जीप का लोगो अगेन मिल जाएगा, तो इसे आप मैनुअल भी कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअल चलाना है तो जस्ट आपको लेट स्वाइप करना है, देन यहीं से प्लस माइनस आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाएगी, सॉफ्ट टच आर्मरेस्ट है। ये दो पार्ट में खुलती है, एक ऐसे देन एक ऐसे, ठीक है। स्पेस इज गुड। सी यहाँ पे ना हुक्स दे रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे ऐसे दो, एंड देन ऐसे रियर में यहाँ पे दे रखे हैं, ये यहाँ एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या है कि आप इस रूफ को ना मैन्युअली निकाल सकते हो। सी रियर कैबिन की मैं बात करूं, यहाँ पे क्या कुछ चीजें हैं, यहाँ पे आपको हेडरेस्ट दो मिलते हैं, हालांकि ये एडजस्टेबल नहीं है। हाँ, इसको आप ऐसे कर सकते हैं बिकॉज सीट पूरी फ्लैट रोल डाउन हो जाती है। यहाँ पे क्या कुछ चीजें हैं, यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स मिलते हैं, पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको रियर के यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको दो सी टाइप पोर्ट, दो USB A टाइप पोर्ट दिए गए हैं, एंड यहाँ पे प्रॉपर 3-पिन सॉकेट दिया गया है, लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हैं। स्पीकर आपको ऊपर प्लेसमेंट दी गई है, एल्पाइन का सराउंड सिस्टम इसमें आता है। दो जो LED लाइट्स है वो यहाँ है, और दो LED लाइट्स फ्रंट के लिए यहाँ है, रियर के लिए यहाँ है। आगे वाली सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, मेरी हाइट अराउंड 5'6" 5'7" है। एम्पल ऑफ नी रूम मिल रहा है, एम्पल ऑफ लेग रूम मिल रहा है, बट ये जो अंडर थाई सपोर्ट है वो
इतना खास मुझे नहीं लगा, ठीक है, बट ओवरऑल जो स्पेस है वो ठीक है। एंड यस, ग्रैब हैंडल यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा, एंड जो सीट बेल्ट है वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ आपको यहाँ मिल जाती है, एंड तीन लोग आप आराम से बैठ पाओगे, आई थिंक कोई इशू आपको फील नहीं होगा। यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये सी ये पूरा नीचे आ जाता है इंक्लूडिंग हेडरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स, फोन होल्डर, ये सब आपको मिल जाता है। अब टाइम है इसको ड्राइव पे लेके जाने का एंड ऑफ रोड पे भी लेके जाने का। थोड़ा सा ऑन रोड ड्राइव करेंगे उसके बाद ऑफ रोड पे लेके जाएंगे, ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है अब वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो नाउ आई एम ड्राइविंग द ऑल न्यू 2024 फेसलिफ्ट वर्जन ऑफ जीप रैंगलर। सो एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस में मैं बात करूँ इंजन वगैरह की, तो इसमें आपको 2 लीटर का 2000cc का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है, डीजल इसमें नहीं आता। ओके, एंड जो मैक्सिमम पावर ये प्रोड्यूस करता है वो है 268 bhp की, जो मैक्सिमम टॉर्क ये निकालता है वो है 400 Nm का। ओके, 268 bhp, 400 Nm टॉर्क बिल्कुल भी कम नहीं है। एंड स्पेशली जब आप इसे ड्राइव करेंगे तो हो सकता है शायद आपको पहले लगे कि यार इतनी बड़ी कार है, इतनी हैवी कार है, सिर्फ 2000cc इंजन सफिशियंट रहेगा क्या है जो है। लेट मी टेल यू, मोर देन एडिक्वेट परफॉर्मेंस इसकी है। आप चाहे इसे सिटी में चलाओ, चाहे आप इसे हाईवे पे चलाओ, आपको जैसी पावर चाहिए आपको देगा। अभी मैं आराम से क्रूज कर रहा हूँ अराउंड 38-37 की स्पीड में, मुझे क्विक पावर चाहिए, मैंने एक्सेलरेशन पेडल हार्ड प्रेस किया, आई गॉट दी पावर एंड सी जो पुल आता है ना, जो इसका एक कार खींचती है आपको, और वो भी बहुत एफर्टलेसली। ऐसा नहीं है कोई इंजन में स्ट्रेस लगेगा, हैसल फ्री आपको ये पुल मिलने वाला है, तो दैट इज द अमेजिंग थिंग। एंड इंजन की बात करूँ काफ़ी रिफाइंड फील होता है। आप सिटी में चलाओगे तो मोस्टली अराउंड 1500 rpm पे ही चलेगा, हाईवे पे आप इसे चलाओगे 100-110 की स्पीड तक ये आराम से सिर्फ 2500 rpm पे रहता है। तो दैट इज द थिंग कि आपको हर मोमेंट पे जब आपको पावर चाहिए आपको एक्सेलरेशन पेडल पे टैप प्रेस करना है आपको, एंड ये पुल मिल जाएगा, एंड यू कैन ईजिली ओवरटेक ऑन दी हाईवेज ऑल्सो, ठीक है। हाँ, टर्बो लैग वगैरह की बात करूँ तो टर्बो चार्ज इंजन है तो ऑब्वियसली टर्बो लैग रहता है, तो बिलो 2000 rpm थोड़ा बहुत आपको फील होगा कि वो टर्बो लैग है। सिटीज़ में थोड़ा ज़्यादा फील होगा बिकॉज कार ट्रैफिक वगैरह में रुकती है फिर चलती है, सिटीज़ में वो चीज़ ज़्यादा होती है, बट तब भी उतनी डल परफॉर्मेंस डेफिनेटली आपको नहीं लगने वाली। एंड जैसे आप 2000 rpm क्रॉस करते हो एक ज़बरदस्त पावर, एक ज़बरदस्त पंच आपको फील होता है। एंड अब बात कर ले तो ट्रांसमिशन की, तो इसमें 8-speed टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स मिलता है, विच आई थिंक उतना क्विक नहीं मुझे फील हुआ। सी यहाँ सिटी वगैरह में आप चला रहे हो तो गियर शिफ्टिंग वगैरह इज़ गुड, आपको पता नहीं लगेगा गियर शिफ्टिंग का, कोई जर्क वगैरह नहीं है, अराउंड 2000 rpm के आसपास गियर शिफ्ट हो जाते हैं। बट अगर आप हाईवेज पे हैं, आपको क्विक ओवरटेक्स वगैरह करने हैं, मैं बोलूँ आपको एक क्विक गियर डाउनशिफ्ट की ज़रूरत जहाँ पे आती है, तो वहाँ थोड़ा सा कुछ एक लैग फील होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी 40 पे चल रही है एंड अभी 5th गियर पे, मुझे एक पंच चाहिए, मैंने हार्ड एक्सेलरेट करा 1-2-3, अब जाके गियर डाउनशिफ्ट हुआ एंड फिर एक ज़बरदस्त पंच है, तो हल्का सा वो टाइम लेता है। उसके बाद मैं बात करूँ स्टीयरिंग परफॉर्मेंस की, तो इट इज़ डिसेंट। ऑब्वियसली इस तरीके के कार में, साइज के कार में, जिस सेगमेंट की कार है उसमें वो एजाइल क्विक एंड वैसा स्टीयरिंग डेफिनेटली नहीं मिलता। स्टिल जो वेट मैनेजमेंट वगैरह अगर आप ऑन रोड चला रहे हैं तो इट इज़ गुड, ना ज़्यादा लाइट है ना ही ज़्यादा हैवी है, आप एक हाथ से भी इसे कर लोगे आराम से मैनोवर, कोई इशू आपको फील नहीं होगा। रिस्पॉन्स वगैरह इज़ डिसेंट, ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत क्विक है या बहुत एजाइल है, बट आपको एक अच्छा कंट्रोल मिल जाता है, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस लूज होने वाली चीज़ नहीं मिलती। सस्पेंशन की बात करूँ तो थोड़े सॉफ्टर साइड में फील होते हैं, ज़्यादा स्टिफ नहीं है, एंड लेडर ऑन फ्रेम स्ट्रक्चर है तो वो वाली चीज़ थोड़ी वो रॉ फीलिंग चलती रहती है बीच बीच में, जो राइड क्वालिटी वगैरह की है। सस्पेंशन का जो फीडबैक है वो अच्छा है, जो छोटे मोटे गड्ढे हैं वो आराम से अच्छे से टैकल कर लेती है, बट अगर किसी रंबल स्ट्रिप में से या स्पीड ब्रेकर में से कार जाती है तो पता लगता है बिकॉज लैडर ऑन फ्रेम है, तो थोड़ी बहुत ऐसी मूवमेंट्स आपको फील होंगी, बट स्टिल सस्पेंशन का रिस्पॉन्स अच्छा है, वो ऐसा जो उसका जॉल्ट है वो ऐसे आपको चुभता नहीं है सीट में, वही इस कार का मज़ा है, वही रॉ फील जो है ना, तो वो चीज़ डेफिनेटली इसके करेक्टर के साथ जाती है ना, आपको मज़ा आएगा उस चीज़ में, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट दी सस्पेंशन, ब्रेकिंग इज़ डिसेंट, अभी 46 पे कार चल रही है, मैंने हल्का सा प्रेस किया तो रिस्पॉन्स इज़ गुड, ठीक है।
बट इट जस्ट दैट वो बहुत क्विक इमरजेंसी ब्रेकिंग वाले में आपको वो एजाइल ज़्यादा फील नहीं होगी, बट ओवरऑल आपको कोई इशू ऐसा फील नहीं होगा. सो दिस इज़ अबाउट द परफॉर्मेंस. उसके बाद मैं बात करूँ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस की, तो बाहर की नॉइज़ वगैरह अच्छे से डैम की गई है. एकॉस्टिक ग्लासेस का यूज़ किया गया है इसमें, तो आपको ऐसा नॉइज़ अंदर आती नहीं, परेशान नहीं करती है. इंटीरियर नॉइज़ में से कोई भी मुझे रैटलिंग नॉइज़ वगैरह कोई फील नहीं हुई अभी तक. ठीक है, इंजन नॉइज़ की बात करें तो इंजन काफ़ी साइलेंट है, ट्रस्ट मी, जैसा मैंने बोला काफ़ी रिफाइंड है. तो आप सिटीज़ में आराम से क्रूज़ करोगे तो आपको कोई इशू फील नहीं होगा. हाईवे पे भी इनफैक्ट अगर आप 100-110 पे चला रहे हैं, क्रूज एक कॉन्स्टेंट स्पीड में आराम से क्रूज कर रहे हैं, तब भी इंजन की आवाज़ आपको ऐसा डिस्टर्ब नहीं करेगी. हाँ, अगर आप लाइक वो क्विक ओवरटेक्स करने हैं या डाउन शिफ्ट वाला सिनेरियो करते हैं, ऐसे स्ट्रेच करते हैं, सी एकदम हार्ड एक्सेलरेटर, तो 5000 RPM पे जाके गियर शिफ्ट होता है, तो अराउंड 4000 RPM पे जाके थोड़ी इंजन की आवाज़ आती है, बट वो भी ज़्यादा लाउड नहीं है, वैसा परेशान नहीं करेगी. विंड नॉइज आती है जब आप हाई स्पीड में स्पेशली हाईवेज पे चल रहे हो, तो ठीक है, बिकॉज वी नो जिस तरीके का इसका शेप है, जो प्रोफाइल है, एरोडायनामिक्स तो आप नहीं बोलोगे उसे, तो वो विंड नॉइज आपको फील होगी एट हायर स्पीड्स. वाइब्रेशंस की बात करूँ तो आई एम अमेज्ड कि लाइक ऐसी कोई वाइब्रेशन परेशान होने वाली नहीं है इसमें. इवन जब आप ऐसे कार को पुल कर रहे होते हैं हार्ड एक्सेलरेट करके, तो भी ऐसे कोई परेशान करने वाली वाइब्रेशंस नहीं आती, दैट इज अ गुड थिंग. एंड उसके बाद मैं बात करूँ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की. ऑन रोड जो ड्राइवर सीट है वो कंफर्टेबल है, मेरी हाइट अराउंड 5'6" 5'7" है, डिसेंट अंडर थाई सपोर्ट है. एंड दूसरी चीज, यहाँ पे कोई डेड पेडल जैसी चीज नहीं है, प्लस स्पेस थोड़ा मुझे लगा यहाँ पे जो, क्योंकि आपकी लेफ्ट लेग खाली रहती है, यहाँ पे ना वो जो सेंटर कंसोल है वो साइड से स्कूप्ड आउट करके निकला हुआ है, तो वो आपको अगर आप जब पहली बार इस पर बैठोगे तो आपको लगेगा जगह कम सी है, बट ठीक है, फिर आप यूज्ड टू हो जाओगे, बट दैट पैडल होना चाहिए था. उसके बाद मैं बात करूँ विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी इज क्वाइट गुड, बोनेट आगे तक नज़र आता है, जिस हाइट पर आप बैठते हैं वहाँ से कमांडिंग फील होता है, तो चाहे आप ऑफ रोड पर हो चाहे आप ऑन रोड पर हो, ठीक है, कोई इशू आपको फील नहीं होगा. उसके बाद मैं बात करूँ रीचेबिलिटी की, तो जितनी चीज़ें जहाँ हैं वो रीच में ही, ऐसा कोई इशू आपको फील नहीं होगा. हाँ, कुछ कंट्रोल्स आपको शुरू में ऑड लग सकते हैं, जैसे पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, ठीक है, तो वो सब है यहाँ पे, बट वो आप यूज टू हो जाओगे, ऐसा कोई इशू मुझे फील नहीं हुआ. उसके बाद मैं बात करूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी. सो सी, आप कितना भी अच्छे से इसे चला लो, कितना भी जेंटली चला लो, सिटी में एटलीस्ट ये आपको सिंगल डिजिट में ही देगी. सिटी में आप इससे एक्सपेक्ट करना अराउंड 6-7. अगर आप थोड़ा भी लाइक अनइवन ड्राइविंग करते हैं, थोड़ी भी लाइक थोड़ा इसके पावर का यूटिलाइज करते हैं, तो थोड़ी और वो कम आप उम्मीद कीजिए, फ्यूल एफिशिएंसी हो जाएगी अराउंड 4-5. हाईवेज पे अगर आप इसे आराम से 80-100 के बीच में एक स्पीड पे क्रूज करोगे, तो जो एक फ्यूल एफिशिएंसी है वो आपको शायद 9-10 तब दे दे. एंड अब टाइम है ऑन रोड से इसको ऑफ रोड में लेके जाने का, एंड थोड़ी इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज आपको दिखाने का. सो हियर वी गो. सो अब सबसे पहले इसमें रैंगलर को लेके जा रहा हूँ आर्टिकुलेशन ट्रैक पे, जहाँ पे इसकी व्हील्स के आर्टिकुलेशंस वगैरह आपको दिखाऊंगा, कितनी आसानी से ये कुछ इस ऐसे ट्रैक से निकल जाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा. ओके, उसके लिए इस जो रूबीकॉन एडिशन है इसमें एक स्वे बार का बटन है. बेसिकली स्वे बार आप इसे ऑन करोगे तो स्वे बार डिस्कनेक्ट होगा, तो स्वे बार डिस्कनेक्ट करो एंड वो व्हील्स की आर्टिकुलेशन वगैरह ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो ये बेसिकली 4x4 मोड में काम करता है, 2H पे नहीं करेगा, 4H या 4 लो पे करेगा. 4H हमने कर दिया है. स्वे बार डिस्कनेक्ट इन प्रोग्रेस, डी पे हल्का सा चलाते हैं तो से स्वे बार डिस्कनेक्टेड लिखा आ गया. सो वी आर रेडी टू गो. पहले पिट पे जा चुकी है एंड कुछ पता ही नहीं लगाया, ट्रस्ट मी. ठीक है, अब मैं आपको पिच एंड रोल, सी रोल 3 degree पे रोल हो चुकी है, 4 degree पे ऐसा है, एंड वी आर रेडी टू यार, ट्रस्ट मी, इसमें ना ऐसा कुछ पता नहीं लग रहा है, इतने आराम से ऐसे आर्टिकुलेशन वगैरह पे कार निकल रही है आराम से. अभी 8 degree पे ये रोल है, ठीक है, एंड फ्रंट कैमरा मैं ऑन करूँ तो इसमें आपको डर नहीं लगेगा यार ऐसे जगहों से निकलने में?
ठीक है, आर्टिकुलेशन इतनी अच्छी हो रही है कि वो जो भी गैप ज्यादा आ रहा है उससे आराम से निकल जा रही है, और ये 4 HP ही निकल गई, 4 लो की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही मुझे ज्यादा हार्ड एक्सेलेट करने की जरूरत पड़ी, आराम से सॉफ्ट एक्सेलरेशन से ही ये निकल गई। सो अब इसे नेक्स्ट ट्रैक पे मैं लेके जा रहा हूँ, इसमें एक डिक्लाइन है, फिर थोड़ा नीचे जाके ऐसे इंक्लाइन में ऊपर आना है। सो 4 HP ही है, हालांकि 4 लो की ऐसा सच कोई जरूरत मुझे लग नहीं रही यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कोई ज्यादा फंसने वाला या फिर ज्यादा मडी वैसा कोई टेरेन है नहीं फिलहाल। 4 HP है, डी पे मैंने डाल लिया एंड वी आर रेडी टू गो। स्लोली स्लोली उतारना चाहिए, आप ऐसे ट्रैक पे जब आ रहे हैं जब कार पूरी ऐसी हो जाए, ठीक है, ऐसे सी, तो आपको बहुत स्लोली करना चाहिए, ठीक है, एकदम तेज नहीं। देखो पूरा ऐसा इंक्लाइन हो गई है आसपास सी, ठीक है, एंड 16 डिग्री पिच पे है वहाँ पे, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, एंड स्लोली स्टेयरिंग को आपको फर्म रखना है, सीधा रहे ताकि कार एक डायरेक्शन में, स्लोली स्लोली कार को उतारना है, आराम से उतर गए, कहीं टच नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुई, एंड 4 HP ही है, हालांकि थोड़ा यहाँ पे मड था तो थोड़े गड्ढे हो रखे हैं, बट उसमें फंसेगी नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा अभी वेट नहीं है, एंड 4 HP ही है। मैं हल्का सा एक्सेलरेशन पे टैप कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन पेडल पे, ज़्यादा वो नहीं है कि ज़्यादा हार्ड एक्सेलेट कर रहा हूँ, 10 डिग्री पिच एंगल, 12 डिग्री, 13 डिग्री मैक्सिमम गया, एंड आराम से हल्का सा मैंने टैप किया एंड ये निकल गई, ठीक है। सो मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें आपको ज़्यादा वो स्ट्रेस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही इंजन पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द जीप रैंगलर एंड इसके ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के बारे में, जितना मैंने चलाया इस ऑफ रोडिंग में, जिस ट्रैक्स में चलाया, तो एक चीज तो पक्की है, इस रैंगलर के लिए कोई भी ट्रैक, कोई भी टेरेन मुश्किल नहीं है, एकदम सीमलेसली हर एक ट्रैक को ये ओवरकम कर सकती है, हर एक टेरेन को ये ओवरकम कर सकती है मोस्टली, एंड अब टाइम है एक वर्डिक्ट पे चलने का, हमारे कंक्लूजन में चलने का, क्योंकि ऑन रोड ऑफ रोड दोनों मैंने आपको दिखा दिया। सो चलते हैं हमारे वर्डिक्ट पे, हियर वी गो। सो ये सब कुछ था इस फेसलिफ्ट वर्जन ऑफ जीप रैंगलर के बारे में, अब टाइम है हमारे वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का। सो सी एक बात तो पक्की है, एक बात तो हम सब जानते हैं कि जिस तरीके की इसकी कैपेबिलिटीज है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज, जिस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस है, दैट इज रियली गुड। रैंगलर हमेशा से काफी पॉपुलर रही है उन लोगों के बीच में जो ऑफ रोडिंग का शौक रखते हैं, जो रेगुलरली ऑफ रोडिंग में जाते हैं, बट आई थिंक अब ये थोड़ा और अच्छा पैकेज हो गया उन लोगों के लिए जो ना ही सिर्फ इसे ऑफ रोडिंग के लिए लेना चाह रहे हैं, बल्कि वो अपने डे टू डे लाइफ में या ऑन रोड भी इसे चलाएंगे, कभी कभी ऑफ रोडिंग में जाते हो, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा पैकेज हो गया, बिकॉज परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज एंड वो फीचर्स जो अब इसमें आते हैं, वो प्रीमियम फीचर्स, तो आई थिंक एक ओवरऑल अच्छा पैकेज अब इसे बनाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द जीप रैंगलर 2024 फेसलिफ्ट वर्जन। आपके क्या व्यूज है, आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार, एक्साइटिंग बाइक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।